हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया कॉटन पेस्ट जो कि ग्रास होपर रहेगा हमारा। तो इसका नाम है सरफेस ग्रास होपर क्रोटोगोनस ट्रैकी टेरस। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो रहेगा। तो आइए इसकी सिस्टेमेटिक पोजीशन को देखते हैं। सिस्टेमेटिक पोजीशन में सबसे पहले क्लास है इसकी इंसेक्टा रहेगी, ऑर्डर ऑर्थोपेट्रा, फैमिली एसिडिरेडेई। एसिडिरेडेई फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा इसके जीनस और स्पीसीज ये रहेंगे क्रोटोगोनस और स्पीसीज ट्रैकी टेरस। ठीक है, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन को देखें हम, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर इंडिया। पूरे इंडिया के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूटेड माना गया है क्योंकि ये हर जगह पे पाया जाता है। जो ग्रास होपर होता है हर जगह पे मिलता है लगभग। होस्ट प्लांट रहेंगे इसके, जैसे कि कॉटन है मेनली जो होस्ट प्लांट है वही रहेगा। इसके अलावा अल्टरनेट होस्ट के ऊपर भी ये रहता है। अल्टरनेट होस्ट में पोटैटो आ जाएगा, सनफ्लावर आ जाएगा, लेडीज फिंगर आ जाएगी। देन जनरल अपीरेंस की बात करें, जनरल अपीरेंस में जो अडल्ट है इसकी लेंथ है वेरियस होती है। वेरियस मतलब अलग अलग लेंथ में देखने को मिलता है, और लेंथ इसकी लगभग मिलेगी 4 to 7 सेंटीमीटर तक। 4 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर मतलब 7 सेंटीमीटर तक ये इन लेंथ के अंदर मिलता है। कलर इसका ग्रीनिश येलो मिलेगा, ग्रीनिश येलो कलर के अंदर इसको देखा जा सकता है। जो प्लांट के ऊपर होगा ग्रीन कलर के तो बहुत ही कम दिखाई देता है, वैसे येलोविश कलर में ज़्यादा देखने को मिलता है। हैबिट्स, अडल्ट एक्टिव है ड्यूरिंग डे एंड प्रेफर करता है लो ग्रोविंग वेजिटेशन। लो ग्रोविंग वेजिटेशन मतलब ऐसी वेजिटेशन जो छोटी है ताकि उनको ये आसानी से खा सके। इसके जो माउथ पार्ट्स होते हैं चीविंग टाइप के होते हैं। द अडल्ट फीड ऑन लीव्स एंड द जर्मिनेटिंग कॉटन प्लांट। अडल्ट क्या करता है, लीव्स के ऊपर फीड करता है या फिर जो कॉटन प्लांट जर्मिनेट हो रहा है, छोटा है बिल्कुल, ठीक है, लो वेजिटेशन जैसे हमने पढ़ा बिल्कुल छोटा है, उनके ऊपर ही ग्रो करेगा। और उनको नुकसान पहुंचाने का काम भी किसका होगा, अडल्ट का होगा, क्योंकि लीव फीडर है, लीव के ऊपर फीड करेगा। सो लाइफ साइकिल, इसकी जो लाइफ साइकिल है 2 to 6 generation देखने को मिलती है 1 year के अंदर। द होल लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इन 30 to 45 days, मतलब 1 month से ऊपर में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। 30 to 45 days, ठीक है, 45 days के अंदर जो इसकी लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाती है और एक न्यू लाइफ साइकिल आगे देखने को मिलती है। लाइफ साइकिल की इसकी जो स्टेजेस हैं, सबसे पहले अगर हम स्टेज देखें तो एग आ जाएगी। एग्स हैं नॉर्मली सोयल के अंदर ही लेड किए जाते हैं। दे ले एग इनटू द सोयल इन अ ग्रुप ऑफ 20 to 30 eggs, मतलब 20 से 30 एग का एक बंचेस होगा जो सोयल के अंदर रहेगा। और एग जो होंगे इसके ओवल एंड येलो इन कलर। एग्स आर ओवल एंड येलो इन कलर, ये बात यहाँ से याद रखने वाली है कि एग इसके किस शेप के होते हैं, किस कलर के होते हैं, ग्रास होपर के। दूसरी स्टेज जब एग हैच आउट होते हैं इनक्यूबेशन के बाद, दूसरी स्टेज इसकी आ जाती है निम्फ। आफ्टर इनक्यूबेशन ऑफ 8 to 12 days, 8 से 12 दिन के अंदर जो एग्स हैं वो हैच आउट हो जाएंगे निम्फ के अंदर, ठीक है, निम्फ के अंदर चेंज हो जाएंगे। और निम्फ है जो एक स्मॉल स्टेज है देन अडल्ट, मतलब अडल्ट के साथ मिलता जुलता ही होगा निम्फ, बस फर्क ये होगा कि उसके अंदर विंग्स नहीं होंगे। द निम्फ अंडरगो 5 to 6 molting, जैसे ही 5 से 6 molting हो जाती है टू गेट कन्वर्टेड इनटू द अडल्ट, एक अडल्ट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। द निम्फ स्टेज रिमेन्स फॉर 28 to 40 days, जो निम्फ की स्टेज होगी वो 28 से 40 days तक रहेगी। इसीलिए जो इसकी लाइफ साइकिल है वो 30 से 45 days की बोली गई है। एग से 40 days तक ये निम्फ स्टेज रहती है, 28 to 40 days तक। देन अडल्ट आता है इस 40 days के आफ्टर, या 28 days के आफ्टर अडल्ट आता है निम्फ
जिसके कि विंग्स डेवलप होंगे, सिर्फ एक ही चेंज देखने को मिलता है निम्फ के अंदर कि जब विंग्स उसके डेवलप हो जाते हैं तो उसी स्टेज को हम अडल्ट बोल देते हैं। अडल्ट के हमने करेक्टर पढ़े, अडल्ट कैसा होता है, ग्रीनिश एंड येलोविश कलर का होता है, और इसके अलावा जो इसकी लेंथ होती है वो 4 to 7 centimeters तक देखने को मिलती है। इसके बाद हम इसके कुछ डैमेज कॉज हैं वो देख लेते हैं। सो जो डैमेज कॉज रहेंगे, मेन डैमेज कॉज होगा किस किस से होगा, द मेन डैमेज इज कॉज्ड बाय निम्फ एंड अडल्ट बोथ, दोनों ही मेन डैमेज कॉज करते हैं। अब ये कैसे डैमेज को कॉज करते हैं, दे फीड ऑन जर्मिनेटिंग कॉटन प्लांट एंड कोटिलीडनरी सीड या लीव्स। कोटिलीडनरी जो लीव्स होंगे, स्टार्टिंग में जो लीव्स बाहर आते हैं एक प्लांट के, जब प्लांट बिल्कुल स्मॉल होता है, ग्रोइंग जर्मिनेटिंग स्टेज के अंदर होता है, देन उस टाइम पे जो दो लीव्स बाहर आते हैं उनको कोटिलीडनरी लीव्स बोलते हैं, उनके ऊपर फीड करेंगे तो ये पूरे के पूरे प्लांट को ख़त्म कर देते हैं। द अडल्ट एंड निम्फ फीड ऑन प्लांट ऑफ लो हाइट, बिल्कुल स्मॉल हाइट के प्लांट के ऊपर ये फीड करते हैं। इफ़ द प्लांट ग्रो लॉन्गर देन दे होपर शिफ्ट टू नेक्स्ट क्रॉप, अगर प्लांट बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाता है तो ये नेक्स्ट क्रॉप की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। अटैक इज पार्टिकुलरली सर्व ऑन द फील्ड एट जॉइनिंग द वेस्ट लैंड्स। अटैक अगर ये पार्टिकुलरली करते रहेंगे तो फील्ड के ऊपर वेस्ट गिरेगा, जिसके कारण जो लैंड है वो भी वेस्ट हो रही होगी। इट इज़ माइनर पेस्ट, ये एक माइनर पेस्ट है, इतना ज़्यादा इसको सीरियस नहीं लिया जाता, बट इन केस ऑफ सम टाइम, कुछ टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाता है। पंजाब के अंदर देखा गया है कि जो क्रॉप को वेस्ट करता है, जब ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाए तो 5 to 30% क्रॉप की जो यील्ड है उसको क्या कर देता है, अफेक्ट कर देता है, उस यील्ड को अफेक्ट करने का काम भी यही करेगा जब ये बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में आ जाए। बट वैसे तो ये माइनर पेस्ट है, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, फिर भी इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं किन किन तरीकों से। अब हम ये देखते हैं कि इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। कंट्रोल करने के भी इसके अलग अलग तरीके हैं। फिजिकल मेथड है, जैसे कि बाय मैनुअली कैप्चर द इंसेक्ट, इंसेक्ट को मैनुअली कैप्चर करेंगे और उसको किल कर देंगे। देन इसके अलावा केमिकल मेथड है, डस्टिंग 10% BHC, इससे भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बाय स्प्रेइंग 0.03% डाइएल्ड्रिन, इसको हम स्प्रे करके भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखें। ओवरव्यू के अंदर हमने जितना भी अभी तक रीड किया है उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने एग के बारे में बताया था, एग थोड़े से येलोविश कलर के होते हैं और लॉन्ग शेप्ड के होते हैं, ठीक है, प्लेटेड शेप है। जैसे ही ये निम्फ स्टेज के अंदर जाता है 8 to 12 days के अंदर, ठीक है, 8 to 12 days लग जाते हैं इसको निम्फ स्टेज के अंदर जाने के लिए। निम्फ और अडल्ट के अंदर सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि यहाँ पे विंग्स डेवलप नहीं हुए होते। इनक्यूबेशन पीरियड रहेगा इसका, इनक्यूबेशन पीरियड रहेगा इसका 8 to 12 days का। सोयल के अंदर एग लेइंग होते हैं, 20 to 30 एग्स एक बार में ले किए जाते हैं फीमेल ग्रास होपर से। फीमेल ग्रास होपर जब एग को ले करती है तो ये थोड़े से डार्क कलर के अंदर चेंज हो जाते हैं, देन ये लॉन्ग शेप के अंदर तो है ही, और इनक्यूबेशन के बाद ये निम्फ के अंदर चेंज हो जाते हैं। निम्फ एक डैमेजिंग स्टेज आ जाती है, जो स्मॉल क्रॉप्स प्लांट होते हैं उनको डैमेज करने का काम करती है। देन इसके अलावा जब 5 to 6 मोल्टिंग हो जाएंगी, 5 to 6 मोल्टिंग होंगी, तो निम्फ किसके अंदर, अडल्ट के अंदर चेंज हो जाता है। और इसके अंदर इसको टाइम लग जाता है लगभग 28 से 40 डेज भी लग सकते हैं 5 to 6 मोल्टिंग होने में। और डिफरेंस इतना आता है कि जब निम्फ विंग्स को डेवलप कर लेता है अपनी बॉडी के अंदर, जब ये विंग्स को डेवलप कर लेगा तो उसी स्टेज को हम अडल्ट स्टेज बोलेंगे। और जो अडल्ट होगा एक्टिव होता है ड्यूरिंग डे, और इसके अलावा स्मॉल प्लांट होते हैं उनके ऊपर भी एक्टिव हो जाता है। एंड देन इसका जो कलर होगा वो ग्रीनिश और येलो मिलेगा। तो ये थी लाइफ साइकिल ग्रास होपर की, क्रोटोगोनस की, या हम ग्रास होपर बोल सकते हैं या फिर इसको क्रोटोगोनस भी बोल सकते हैं। ये इसकी लाइफ साइकिल हुई कंप्लीट, और आज हमारे कॉटन पेस्ट हैं वो भी सारे कंप्लीट होते हैं। न्यू सीरीज जो जिसके अंदर वीट और पेडी के जो पेस्ट हैं उनकी लाइफ साइकिल का डिस्कशन करेंगे।